हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज और आप देख रहे हैं वितेज फ्रॉम अगेन टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, क्या आपके पास कोई जियोनी का E5L मॉडल है? अगर उसका वो जो मॉडल आपके पास है उसमें अगर आप पैटर्न और सिक्योरिटी लगा के भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे अनलॉक करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका पर्सनल मोबाइल है तो आप अपने पर्सनल मोबाइल को मेरे इस ट्रिक से खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद अगर आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो FRP का होगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर क्या होता है भारत देश में लोग सिक्योरिटी जैसे गूगल जीमेल डालते हैं लेकिन उसको याद नहीं रखते और भूल जाते हैं, भूलने की वजह से उसमें गूगल की सिक्योरिटी लग जाती है। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इस वीडियो के बाद, तो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल के थ्रू। वो जो वीडियो होगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ़ोन को फटाफट ऑन करिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये है जियोनी का P5L मॉडल मोबाइल है और ये बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन ये मेरे पास अभी आया है। इसका सिक्योरिटी लॉक लग गया है तो हमें इसको ओपन करना है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे ये मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये पैटर्न हो चाहे सिक्योरिटी हो कोई भी हो, तो इसको अनलॉक करने के बाद अगर इसमें आपका जीमेल पड़ा होगा तो वो जीमेल आईडी यहां मांगेगा। लेकिन अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखिए ये पावर बटन है, यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे। फ़ोन जब ये पावर ऑफ, हमें यहाँ से फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेना है। फ़ोन जब ये आपका पावर ऑफ हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक बटन जो होती है, दो बटन है, उन दो बटन का मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ये आपका जो है वैल्यूम अप और पावर की, यहाँ पर वैल्यूम अप और पावर की को लॉन्ग प्रेस करना है। तब तक लॉन्ग प्रेस करना है जब तक यहाँ पर कोई स्क्रीन पर कुछ आ ना जाए। देखिए यहाँ पर जियोनी लिख के आ गया है, हमें पावर की को रिलीज़ कर देना है। यहाँ पर पावर की हम रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्मेट आएगा, तो हमें वॉल्यूम डाउन से उस फॉर्मेट के वाइप जो होता है, वॉल्यूम डाउन है तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। वाइप डाटा फैक्ट्री जो रीसेट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। पावर की से हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम डिलीट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डिलीट अगर आप करते हैं तो आपका सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा, कोई भी डाटा आपका बैकअप नहीं बचेगा। तो ये लेकिन आपको प्रोसेस तो करना है, अगर आपका फ़ोन ऑन करना है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पावर की को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे प्रेस करते ही नीचे देखिए वाइपिंग डाटा का जब पूरा फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पर प्रोसेस होने लगेगा। इस प्रोसेस में आपको देखिए टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वीडियोज़ छोटी हो सकती है हमारे वीडियोज़ मतलब ये चैनल के थ्रू, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका जो पूरा वाइपिंग का है, उसके बाद पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जब आपका अपडेटिंग होता है वहाँ पर भी, तो देखिए ये आपका फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेटिंग कैश। तो यहाँ पे डाटा वाइप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर लिखा है रिबूट ऑप्शन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, पावर की हमें प्रेस करना है दोबारा और ये आपका जो फ़ोन है ये आपका रिबूट होने लगेगा। रिबूट होने के ऑप्शन में क्या है, क्या फ़ोन आपका प्रॉपर ऑन होगा। ऑन होने के बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस होगा देखिए दिखाएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इसके बाद आपका देखिए, अगर आपका जीमेल आईडी होगा तो अगर आपको याद होगा तो आप तो इसको लॉगिन करके आप फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन जिनका जीमेल आईडी जिसको नहीं पता होगा उसके लिए इसमें दूसरी वीडियो होगी, FRP वीडियो, वो मेरा वीडियो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक से आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कि आप कैसे अपने फ़ोन के जीमेल आईडी को ब्रेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप फिर नया जीमेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये दोस्तों उन्हीं के लिए है जिनका ये खुद का मोबाइल हो, जो कि प्रोसेस कराने मार्केट में जाते हैं, पैसा पे करते हैं, तो मेरे वीडियोस देख के वो अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फ़ोन इस तरह से ऑन हो जाएगा जैसे कंपनी में नया सेट आता है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखिए स्कीप का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट करने को बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कीप ऑप्शन नहीं आ रहा है। डायरेक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जीमेल आईडी इसमें लॉगिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक वाईफाई होगा, वाईफाई आप किसी फ़ोन का कुछ भी हो आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, वाईफाई कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। यहाँ देखिए सेव हुआ है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ले रहा है वाईफाई। आप वाईफाई फ़ोन का कोई भी होगा ले सकते हैं। यहाँ देखिए कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ चेकिंग कनेक्शन बोलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वीडियो के तहत आपको मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस यही होगा। टाइम जो लेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोसेस ये आपका यही है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिस कैन टेक
वाइल दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ पर आप देखते रहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको वीडियो पॉज करके दिखाता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा, फिर इस तरह का फॉर्मेट आएगा वेरीफाई, और गूगल जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पूछेगा। आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका जीमेल आईडी आपको पता है तो आप लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको FRP वीडियोस देखना पड़ेगा। तो देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।